ये प्रेम था, ये गलत और गंदी मानसिकता आपको भी खा जाएगी। ऐसे प्रेम और ऐसे भटकाव को स्वयं रोक लेना है, वरना आगे आने वाले समय में बहुत सारी श्रद्धाएं होंगी। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये जो रिबिका है, इसकी दूसरी पत्नी बन गई थी, क्या करें, मौन रहें, श्रद्धा होने दें, रिबिका होने दें, अंकिता होने दें, क्या करें, बताइए। महिलाओं को बहुत सोचने और समझने की आवश्यकता है। घर में माताएं बहनें सबकी एक उनकी शादी अगर नहीं हो पाती है, उसके बाद वो एक दूसरे को तड़पते हैं, उसके बाद विवाह करते हैं, तो एक दूसरे से कितना प्यार करना चाहिए। आपका प्यार क्या है सबको मालूम है। प्यार के नाम पे फसाद, जन्नत का टिकट। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे रोंगटे खड़े करने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। ये घटना है झारखंड की, जो बिल्कुल श्रद्धा हत्याकांड जैसी ही निर्मम तरीके से हुई है। यहां एक आदिम जनजाति की 22 वर्षीय रिबिका पहाड़न का नाम, जो कि मृतिका है, उनके रूप में आ रहा है। उनके शव के जो टुकड़े हैं वो अलग अलग फेंके हुए पाए गए हैं, और जो कुछ मांस के लोथड़े थे उसको कुत्तों का निवाला बनाया गया, ये भी सामने आ रहा है। इस निर्मम हत्याकांड में जो आरोपी है वो दिलदार अंसारी, जो कि उनका पति है, उस पे लग रहा है। पुलिस के अनुसार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। घटना 17 दिसंबर 2022 की है। उल्लेखनीय है कि रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि दिलदार ने रिबिका के 50 पीस किए हैं। वहीं संस्थल के DIG सुदर्शन प्रसाद मंडल ने इस मुद्दे पर बताया है कि आरोपित ने मृतिका के 18 टुकड़े किए, के बाद घटना में वह शामिल भी था। और यह भी सामने आया कि उसने मृतिका की, जैसे बाद में और जांच हुई, और जब मोमिन टोला में कुछ ग्रामीणों ने इंसानी शव के टुकड़े बिखरे देखे, तब जो जानवर थे वो नोच के खा रहे थे, उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी, और तब ये घटनाक्रम सामने आया, और फिर उनके बचे हुए हिस्से को कब्जे में लिया गया। जांच के दौरान शव की शिनाख्त करवाई गई। लाश जनजातीय समुदाय की महिला रिबिका पहाड़न की निकली। इस बीच पुलिस ने उसके प्रेमी दिलदार पर शक हुआ, उसे गिरफ्तार किया गया, तो मालूम हुआ कि रिबिका 25 साल के दिलदार की दूसरी पत्नी थी, और कई वर्षों से मिलने जुलने के बाद 10 दिनों पहले ही उसका निकाह उसके साथ हुआ था, और वो धर्मांतरित भी हुई थी। जैसा जैसा उसने कहा उसने माना, उसके बाद भी रिबिका को उसने इस प्रकार की सजा दी। अब ये कौन सी मानसिकता थी, ये क्या था, ये सोचने पर भी डर लगता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है हम कुछ सत्य बातें कहना चाहते हैं और प्लेटफॉर्म हमें रोकता है। अब ये बताइए कि इस प्रकार के जो घटनाक्रम है, इसमें कुछ लोग जो पर्टिकुलरली समुदाय विशेष से आ रहे हैं, उनके ऊपर ही क्यों डायरेक्ट उंगली जाती है, वही क्यों इस तरह की वारदातों में शामिल रहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, प्लेटफॉर्म भी जानता होगा, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करने देंगे। वो बोलेंगे ये तो घटना जो है बताने के लिए सुटेबल ही नहीं है। कोई अगर किसी 18 वर्ष से कोई कम है उसके बारे में बताओ, तो उसके बारे में नहीं बता सकते, घटना को आपने ड्रामा करके बता दिया है। और कोई 18 वर्ष, ये तो बालिग है, इसके बावजूद अगर इसकी घटना बताई जाए तो कहेंगे इसकी घटना क्यों बता दी, ये बताना गलत है। तो क्या करें, मौन रहें, श्रद्धा होने दें, रिबिका होने दें, अंकिता होने दें, क्या करें, बताइए आप। अगर किसी पापी को पापी ना कहा जाए, किसी हत्यारे को क्रिमिनल ना कहा जाए, तो क्या कहा जाए। और ये भी सुनने में आया कि यह जो थी गर्भवती थी, उस दिलदार के जो मामा हैं और इसके जो कुछ साथी हैं, उन्होंने मिलकर उसके साथ गलत काम को अंजाम दिया। गलत काम आप समझ ही रहे होंगे, मतलब आपकी स्वयं की पत्नी आपने बना लिया है, काफी वर्षों से आप मिलजुल रहे हैं, वो आपसे गर्भवती होती है, आप ही की संतान को इस दुनिया में ला रही होती है, और आप उसके साथ ना जाने कौन सी ऐसी मानसिकता है, ये कौन सी ऐसी जानवरी सोच है जिसकी वजह से ये लोग ऐसा करते हैं। गलत को गलत तो कहना है ना दोस्तों। ये दूसरी जो जांच हुई है उसमें पता चला है, पहले तो मालूम चला, और ये भी कहा गया कि पहचान छुपाने के लिए जो त्वचा होती है उसको तक निकाला गया। अब आप बताइए, जैसे किसी पशु के साथ करते हैं, कोई अपने के साथ कैसे कर सकता है। और अगर हम ऐसी घटनाओं को सामने नहीं लाएंगे तो कैसे हमारे देश की लड़कियां महिलाएं सतर्क होंगी। क्या हमें सतर्क होने का अधिकार नहीं है कि कोई हमारे साथ ऐसा कर सकता है, प्रेम जाल में फंसाकर कोई हमारे साथ इस तरह की घिनौनी वारदात कर सकता है। क्या ये जानने का हक, इससे सतर्क होने का हक क्या हमें नहीं है। और अगर आज हम सतर्क नहीं होंगे और कल को इस तरह की वारदात हो जाती है, तो उसके लिए न ये प्लेटफॉर्म जिम्मेदारी लेगा,
ना वो लोग जिन्होंने शेयर नहीं किया। तो दोस्तों बस इतना कहूंगी, महिलाओं को बहुत सोचने और समझने की आवश्यकता है कि हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिससे हमारा पूजा पद्धति मैच नहीं होती है, जिसके वहाँ बहुत ज्यादा क्रूरता है, उससे प्रेम मोहब्बत कुछ नहीं करना है। ऐसे प्रेम और ऐसे भटकाव को स्वयं रोक लेना है, वरना आगे आने वाले समय में बहुत सारी श्रद्धाएं होंगी और जिसका उन हथियारों को, उन मनुष्य के भक्षण करने वालों को तनक भी अफसोस नहीं होगा। आपने झारखंड और अन्य जगह में देखा होगा कि जो आदिवासी या जनजातीय समुदाय है, हमारा समाज है, उनकी महिलाओं को इस प्रकार से प्रेम जाल में फंसाकर उनको जबरन धर्मांतरित कर, उनका धर्म परिवर्तन कर उनकी जमीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं। अब उनकी इस तरह से प्राण लिए जा रहे हैं। अब आगे चलकर और क्या देखना बाकी है? अगर कानून सख्त नहीं हुआ तो इसी तरह से और घटनाएं होंगी। और ये समाज अगर मौन रहा और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक तरफा करते हैं, वो अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच को लिमिट कर देते हैं और जो सही शब्दों में भी बातों से नहीं लाने देते हैं, तो इसके जिम्मेदार वो भी होंगे। याद रखिएगा, घर में माताएं बहनें सबकी एक सी, किसी के साथ भी ये हो सकता है। और इस तरह के जो धूर्त मानसिकता के लोग हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते, वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप उनमें से अलग हैं तो भी, आप उनमें से हैं तो भी, ये गलत और गंदी मानसिकता आपको भी खा जाएगी। इसके गर्भ में आप भी चले जाएंगे। जिस तरह से सीरिया, ईरान, इराक गए और आज उन्हीं के लोग जो पहले हमारे लोग हुआ करते थे, आज वो भी पछता रहे हैं और दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। ये दिन दूर नहीं अगर इसी तरह से भारत में भी बोलने पर और सत्य बताने पर पाबंदी लगाई गई और लोगों ने सोचने समझने का शक्ति का मादा खो दिया और व्यक्तिगत राग दोष की वजह से अगर शेयर नहीं करा और इसके बारे में अपने विचार नहीं रखे और मुझे या मुझ जैसे लोगों को शांत करने का प्रयास किया, तो आगे आने वाले समय में और भी रिबेका पहाड़िन जैसी हरकतें होती रहेंगी। ना श्रद्धा जैसी थमेगी, ना रिबेका पहाड़िन जैसी थमेगी। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, जरूर बताइएगा। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये जो रिबेका है, इसकी दूसरी पत्नी बन गई थी, इसकी पहले से शादी हुई थी। ये व्यक्ति जो है 25 साल का दिलदार अंसारी बताया जा रहा है और रिबेका जो है इसकी दूसरी पत्नी बताई जा रही है। और 10 दिन पहले ही इनका निकाह हुआ था। अब आप सोचिए, आदमी प्रेम करता है, कई सालों तक उनकी शादी अगर नहीं हो पाती, उसके बाद वो एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, उसके बाद विवाह करते हैं, तो एक दूसरे से कितना प्यार करना चाहिए कि ये सब करना चाहिए? और आपका प्यार क्या है सबको मालूम है। प्यार के नाम पे फसाद, जन्नत का टिकट, जो हमारी मान्यता को न माने उसको मिटा दो। और आपने रिबेका को मिटा दिया, जैसे श्रद्धा को मिटाया। आफ्ताब ने कहा, मुझे कोई गम नहीं है, मैं जन्नत जाऊंगा। इस तरह की सोच को अगर हम नहीं बताएं, हफ्ते भर के लिए लिमिट हो जाता है, उसके बाद हम घटना जो है उस पे लोगों का ध्यान नहीं जाता और ऐसे कई लड़कियां इसके भेंट चढ़ते रहती हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं, कृपया इसको सब तक फैलाएं, सबकी नजर इस पे जाए, क्योंकि पुलिस के बयान है। अगर हम पुलिस के बयान भी लगा दें तो कह देंगे लॉ एनफोर्समेंट है, आपने इसको नहीं लगाना चाहिए था। एफआईआर की कॉपी लगा दें तो वो भी, मतलब क्या चाहता है प्लेटफॉर्म मैं नहीं जानती, लेकिन अगर हम इस तरह की बातों को नहीं बताएंगे तो कैसे होगा? कम से कम 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिलदार के परिजन मोहम्मद मुस्तकिन, उनकी पत्नी मरियम खातून, दिलदार की पहली पत्नी गुलेरा, दिलदार के भाई अमीर अंसारी, मेहताब अंसारी और दिलदार की बहन शाहरेजा खातून को लिया गया है। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बांग्लादेशी हैं, भारतीय लग भी नहीं रहे। अब बताइए, इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, इसमें बीजेपी ने भी आवाज उठाई अपनी और हेमंत सरकार के कार्यकाल में जो महिलाएं हैं उनके ऊपर क्या अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हालांकि कोई भी सरकार इस तरह के वारदातों को रोकने में नाकाम रही है, लेकिन ये एक सामाजिक परेशानी भी है। इसको समाज को भी बहुत कड़े उससे लेना चाहिए और समाज यहां से शुरुआत हो कि हमें न्यूज को न्यूज की तरह दिखाने का मौका दिया जाए। हाँ, हम जज्बाती लोग हैं, हमें बुरा लगता है, हम कोई ऐसे हार्डकोर प्रोफेशनल नहीं है। हमें जो घटना पता है, जो चारों ओर चल रही है, जो हमारी नजर में आ रहा है, हम उसे बताएंगे। हम उसमें भावुक भी होंगे, हमारे अपने सेंटीमेंट्स भी होंगे, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि इस घटना को मत बताओ, तुमने बड़ा ड्रामा कर दिया, तो हम कैसे बताएं? इस भारत की बर्बादी में उन लोगों का भी हाथ रहेगा, इस देश की महिलाएं हैं उनकी बर्बादी में उन लोगों का भी हाथ रहेगा जो इस तरह की घटनाओं को बताने से हमें रोकते हैं। हम सच ना बताएं तो क्या करें? कोई गलत काम हो रहा है, कम से कम अगर लोगों की नजर में वो काम जाएगा कि अरे ऐसा गलत हुआ है, तो कम से कम लोग सतर्क तो होंगे। तो हर एक प्लेटफॉर्म का ये मकसद होना चाहिए कि भाई हम सत्य को दिखाने दें। आप कहते हैं टारगेट कर दिया, क्या टारगेट कर दिया? जब करने वाला ही एक जगह से आ रहा है तो हम क्या टारगेट करेंगे? खुद को तो टारगेट खुद ही करवा रहे हैं और पुलिस क्या झूठ बोल रही है?
ये जो घर लिया गया था ये आंगनबाड़ी केंद्र से 300 मीटर दूर एक बंद पड़े घर में बरामद, जो शरीर का हिस्सा है वहां बरामद किया गया और हेमंती मुर्मू का है, जिसे 2000 प्रति माह में ये जो घर है भाड़े में लिया गया था और जो उसका शरीर है वो एक बोरे में रखा हुआ था पैक करके, और कुछ 12 हिस्से बरामद हुए हैं, बाकी का जो सर वगैरह है वो अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाए हैं। वो अपराधी कितना तेज है देखिए, उस जो त्वचा है उसको वहां से हटा दिया गया है, त्वचा जैसे पशुओं की निकाल देते हैं अगर ये निकाल दें ताकि उनको शरीर जो है पहचानने में ना आए, हर चीज की अकल है, ये इस तरह की घटना करने में माहिर है और ये पुलिस के अनुसार है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रही हूँ। इस मामले में जो चौंकाने वाली बातें थी मैंने बता दिया था कि वही उसकी संतान को जन्म देने वाली थी, गर्भवती थी और उसे इस अंजाम में पहुंचाने से पहले अंसारी है उसके जो मामा हैं और उसके सहयोगी हैं, उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म भी करा है, ये भी बात पुलिस के अनुसार है, ये पुलिस की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रही हूँ। अब उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर राम निवास यादव और SP अनुरंजन किसपोटा भी मौजूद रहे। पुलिस के मुताबिक मामले में अब तक 10 लोग गिरफ्तार करे जा चुके हैं। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे रोंगटे खड़े करने वाले खुलासे हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिस समय रिबिका पहाड़िन को मृतिका बनाया गया उस समय वो गर्भ से थी और दिलदार के जो मामा हैं और उसके मित्र हैं उन्होंने उसके समाप्ति से पहले उसके साथ हैवानियत की और उसकी अनाज से खिलवाड़ किया, यानी कि उसके साथ दुष्कर्म किया। ये सब बातें नजर आ रही हैं और बहुत सारी चीजें हैं। और इसके बाद जो शव था उसको मामा के दोस्त के घर मैनुअल अंसारी के घर लाया गया और वहां उन्होंने इसकी छोटे छोटे अंग किए और फिर प्लास्टिक में इसको इधर उधर कर दिया और कुछ जो थे इसमें कुछ शार्प चीजों का इस्तेमाल किया गया है। इसको इस तरह से करने के लिए बहुत ही बारीक शस्त्रों का उपयोग किया गया है। इतनी जो बेदर्दी की गई है उससे जो गांव वाले हैं उनमें बड़ा रोष है और देख रहे हैं आप, मैं भी जो बता रही हूँ बहुत डर डर के बता रही हूँ क्योंकि मुझे डर है कि सत्य बताने पर मेरा मुंह फिर से बंद ना करा जाए। पशुओं को खिलाया गया है, इससे ज्यादा मैं अब क्या कहूँ। और ये प्रेम था, इतने वर्षों से उसे प्रेम में फंसा के रखा, फिर 10 दिन पहले ही विवाह किया और ये कर दिया उसके साथ, मतलब शौहर और उसके रिश्तेदारों ने मिलके करा, इसमें महिलाएं भी शामिल है। ये ना जाने कौन सा प्रेम है क्या है, मैं नहीं जानती। मैं बार बार ये बातें बोल बोल के तंग आ चुकी हूँ लेकिन बताती इस आस में हूँ कोई रिबिका कोई निकिता बच जाए, इसलिए मैं सतर्क होने के लिए बताती हूँ और मेरा कोई मकसद नहीं है। इस घटना के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, क्या आप क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर बताइएगा और चाहे तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और कमेंट करें, सुपर थैंक्स के माध्यम से हमारे जो कार्य हैं उसे प्रोत्साहित करें और अगर चाहते हैं इस तरह की कोई भी घटना हो उसे बताते रहें, अपनी बातें आप तक पहुँचाते रहें तो कृपया करके आप हमें डिस्क्रिप्शन के माध्यम से फोन पे गूगल पे पेपाल पेट्रियन के माध्यम से सहयोग करें और अगर हमें किसी घटना के बारे में बताना चाहते हैं तो कृपया करके आप हमारे ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं और पूरी घटना का ब्यौरा देकर पूरी बात को बता सकते हैं। हम आपके नाम और आपके दी गई जानकारी को गुप्त रखेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय एकलिंग जी महाराज, जय भवानी, जय शिवानी। प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें।